अस्सलाम वालेकुम। आज हम शामी, मेरे पास ये शामी है, इनको हम फ्राई करेंगे टेबल ग्रिल पे। टेबल ग्रिल जो है इसको मैंने ऑन कर दिया। इसको 10 से 15 मिनट पहले ऑन करना होता है। ये ऑन हो गई, साथ हम अपने शामी तैयार कर लेते हैं। शामी तैयार करने के लिए एक अंडा ले लेंगे। अंडे की इसमें डालेंगे सफेदी, और सफेदी को फेंट लेंगे। जब सफेदी की झाग बन जाए फिर हम इसमें आप जर्दी डालेंगे और मिक्स करेंगे। ये जो टेबल ग्रिल है ये बिजली वाला है, मैंने बिजली पर ऑन किया हुआ। पहले तेल लगा लिया, अब इसको डिप करके ऊपर डालते जाएंगे किबाबों को। आंच हल्की रखेंगे क्योंकि ये अंदर तक सेक जाए। पक्के हुए तो पहले ही होते हैं, फ्रीज हुए हैं, अच्छी तरह इनको सेकना है। ये जितने तक तैयार होते हैं हम इतने तक साथ मिल्कशेक बना लेते हैं। मिल्क शेक बनाने के लिए जूसर लेंगे, इसमें डालेंगे। ये मेरे पास आड़ू है, ये आड़ू मेरे हमारे घर में बहुत सारे आए थे तो मैंने इनको फ्रीज कर दिया। इनका गोदा निकाल के गुठली फेंक दी और गोदा जो निकाल के फ्रीज कर दिया। इसमें दो आड़ू चले गए। अब इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून क्रीम, जायके के हिसाब से चीनी डालेंगे, और आधा लीटर दूध। आप इसको ग्राइंड करेंगे। बाप तैयार हो गए, इनको उतार लेते हैं। अब हम लेंगे ब्रेड, इसी के ऊपर गरम करेंगे। अब हमने टेबल को बंद कर दिया। अब हम पकड़ेंगे ब्रेड और पकड़ेंगे केचप। उठाएंगे किबाब, इस किबाब को फैला लेंगे। अब अच्छा, इस दफा मेरे से किबाब बंद छोटे गए हैं, ब्रेड बड़ी है, किबाब छोटा है। अब इसको फैला लेते हैं। फैलाने के बाद फिर ऊपर रखेंगे दूसरा तैयार करेंगे। इसी तरह दूसरे को भी कर लेते हैं। अब हम पकड़ेंगे अपना मिल्क शेक।
अब हम पकड़ेंगे ट्रे, इसमें रखेंगे कबाब, ये देंगे साद अली को नाश्ता। तो आप भी ऐसे इसी तरह ये किबाब जो है घर में बना के रख लिया करें, ये बहुत औरत के लिए इजी काम होता है। जिस वक्त शामी बने पड़े हों, सालन ना भी हो, तो आया फ्राई किया और खुद खाया, बच्चों को दे दिया, तो मैं इसलिए बहुत इजी रहती हूँ, बना के रखी रखती हूँ। तो ये मेरी वीडियो, अल्लाह करे आपको पसंद आए। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह हाफ़िज़।